मुख्यमंत्री शिवराज ने पीसी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल बता रहे हैं। कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर और कितने भ्रम फैलाएंगे? अब यह तो कुकृत्य है, पाप है। वहीं इस दौरान शिवराज ने कांग्रेस और कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। पिछले दिनों कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जनता को आवंटित चावल प्लास्टिक से बने हुए हैं, जिस पर सीएम शिवराज ने जवाब देते हुए कहा कि जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल बता रहे हैं। कांग्रेस कितना झूठ बोलेंगे आखिर और कितने भ्रम फैलाएंगे? अब यह तो कुकृत्य है, पाप है। ये पाप इसलिए है क्योंकि आप भ्रम फैला देंगे तो लोग फोर्टिफाइड चावल ही नहीं खाएंगे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार उन्होंने पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे उसे लेकर कहा था कि इसे पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब यह कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है बल्कि कुटिलता है। यह जनता के साथ छल और प्रपंच है। चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल के मुद्दे पर कहा कि आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वे देते ही नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनका एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चल रहा है। पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस और कमलनाथ ने माताओं बहनों को वचन देते हुए कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहां तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है, उन्होंने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया। सवाल तो उठेंगे, जवाब उनको देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। अब ये तो कुकृत्य है, पाप है, पाप। दिग्विजय सिंह की दोबारा, इसलिए पाप है ये कि आप भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इन्हें पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, कहने लगे ये पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है, लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है, लेकिन जनता सब समझती। मित्रों, आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है, उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया, तो सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देख। सीएम चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर चीते आने की बात पर कहा कि 18 फरवरी को कूनो में 12 चीते आ रहे हैं, अभी जो चीते हैं वह स्वस्थ हैं, लगातार उनका ध्यान रखा जा रहा है। चौहान ने कहा चीता केवल चीता नहीं है, चीता जो हमारे देश से समाप्त हो गए थे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी है, लेकिन चीता उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे, इसलिए पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यटकों के लिए सुविधाएं। जो चीता मित्र बन गए तो चीता की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं, लेकिन वहाँ किन किन चीजों की संभावना है जिसके रोजगार के अवसर बढ़े और हमारे चीते सुरक्षित रहें, उनका परिवार बढ़ता रहे, इसलिए चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करूंगा। चौहान ने कहा जो हमारी विकास यात्रा चल रही है निरंतर विकास के काम करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक विकास यात्रा में 20,606 लोकार्पण हो चुके हैं, 15,457 भूमि पूजन हुए हैं, 20,606 काम ऐसे हैं जो पूरे हो गए हैं, उनका लोकार्पण किया गया है, लेकिन कांग्रेस को यह विकास नहीं दिखता। अब वो देखना ही नहीं चाहते तो नहीं दिखेगा।
लेकिन जमाना देख रहा है, जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए लगातार नवाचार करते हुए विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। सीएम ने कहा, आज मैं एक नवाचार का जिक्र करूंगा। देवास जिले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल, यह अभियान जन सहयोग से चलाया जा रहा है और 1700 प्राथमिक स्कूल तथा माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का संकल्प लिया गया है। निरंतर हमारी यात्रा आने को नवाचार करते हुए आगे बढ़ रही है। 18 फरवरी को कूनों में फिर 12 चीते और आ रहे हैं। अभी जो चीते हैं वो स्वस्थ हैं, लगातार उनका ध्यान रखा जा रहा है। और आज ही मैं चीता प्रोजेक्ट की बैठक कर रहा हूं, क्योंकि चीता केवल चीता नहीं है, चीता जो हमारे देश से समाप्त हो गए थे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पुनर्स्थापित हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी है, लेकिन चीता उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, चीता मित्र बन रहे जो चीता की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन वहां किन किन चीजों की संभावनाएं हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और चीते हमारे सुरक्षित रहे, उनका परिवार बढ़ता रहे, इसलिए चीता प्रोजेक्ट की मैं आज समीक्षा करूंगा। मैं जो हमारी विकास यात्राएं चल रही है, निरंतर विकास के काम करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक विकास यात्राओं में 20,606 लोकार्पण हो चुके हैं, 15,457 भूमि पूजन हुए हैं। 20,606 ऐसे काम जो पूरे हो गया उनको लोकार्पित किया गया है, लेकिन कांग्रेस को यह विकास नहीं दिखता। अब वो देखना नहीं चाहते तो नहीं दिखेगा, लेकिन जमाना देख रहा है, जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए लगातार नवाचार करते हुए विकास यात्राएं आगे बढ़ रही है। आज एक नवाचार का मैं जिक्र करूंगा। देवास जिले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल, ये अभियान जन सहयोग से चलाया जा रहा है और 1700 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का संकल्प लिया गया है। निरंतर हमारी यात्राएं अनेकों नवाचार करते हुए आगे बढ़ रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।